क्लास सिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 सॉरी 7.1 हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। तो इसमें हमारा क्या है, जो 7.2 में आपके पास कुछ क्वांटिटी रहेगा, गिवन क्वांटिटी होगा और रेशियो गिवन होगा, उसको डिवाइड करना है। दैट मीन्स टू डिवाइड अ क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो, मतलब आपके पास कोई सर्टेन क्वांटिटी होगा और उसका रेशियो भी गिवन होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं डिवाइड 36 आर इन द रेशियो फोर इज टू फाइव, मतलब 36 को आपको डिवाइड करना है 4:5 के रेशियो में। तो इसमें सबसे पहले आपका गिवन क्वांटिटी 36 है और रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो आपका है, रेशियो इक्वल टू 4:5। सबसे फर्स्ट में आप सम ऑफ द रेशियो फाइंड करेंगे, ये आ गया 4+5 आ गया हमारा 9। 36 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4:5 मतलब मींस टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट रेशियो हमारा 4 है, सम ऑफ द रेशियो ऑफ 36, 9 से ये 4 टाइम्स में, मतलब मींस हो गया फर्स्ट पार्ट आपका 16 आ गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट आपका 5/9 ऑफ 36, ये 4 टाइम्स में मींस 20। आप इसको चेक करेंगे 20+16 36 आपका आ जाएगा। तो 36 को हम लोगों ने 2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसका आप रेशियो भी फाइंड करेंगे तो वही 4:5 ही आएगा, 16/20, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4:5 का रेशियो ही आएगा। चेक करने का यही मेथड है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देर आर जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो उसमें है गिवन आपका देर आर 250 स्टूडेंट इन अ स्कूल, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 2:3, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देर आर लिखा हुआ है, आपका देर आर 250 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, द रेशियो ऑफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:3, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्यूशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट में हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 250। अब यहां पर रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू 2:3, मीन्स यहां पर 2 जो है वो बॉयज के लिए है एंड 3 जो है वो गर्ल्स के लिए, ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, पहले आप सम ऑफ द रेशियो फाइंड करेंगे, सम ऑफ द रेशियो आ गया आपका 2+3=5, नंबर ऑफ बॉयज फर्स्ट में निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का रेशियो आप देखिए वहां पर क्या है, बॉयज के लिए फर्स्ट 2 लिखा हुआ है, 2/सम ऑफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आ गया 50 टाइम्स में, 52 = 100, 100 बॉयज।
नंबर ऑफ गर्ल्स थ्री बाय फाइव ऑफ 250, ये फाइव से 50 टाइम्स में तो ये आ गया आपका 150। चेक करने के लिए दोनों को प्लस कीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा 150 प्लस 100, 250 आ गया। और इसका रेशियो आप फाइंड करेंगे तो 2:3 का रेशियो आएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लेते हैं जो है, रोहित एंड रमेश वर्क टुगेदर एंड अर्न 450। टोटल मनी जो दोनों अर्न कर रहा है वो 400 450 है। कहता है द रेशियो ऑफ द टाइम स्पेंड बाय देम इज 4:5। जो दोनों स्पेंड कर रहा है वो 4:5 के रेशियो में टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहां कह रहा है कैलकुलेट द मनी ईच रिसीव, दोनों कितना मनी रिसीव कर रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, रोहित एंड रमेश वर्क टुगेदर टू अर्न एंड अर्न रुपीज 450। दोनों मिलके 450 रुपीज अर्न करता है तो टोटल इनकम आपका 450 रुपीज हो जाएगा। अब यहां पर दिया है आप वर्क करेंगे तो टाइम स्पेंड करेंगे, तो टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है 4:5 का रेशियो है। मींस वहां पर रोहित एंड रमेश के लिए 4 और 5 का यूज किया गया है। कह रहा है दोनों को कितना मनी रिसीव होता है, मतलब दोनों कितना मनी मतलब अर्न करता है। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में आपका था टोटल इनकम ऑफ रोहित एंड रमेश, इक्वल टू 450 रुपीज दोनों मिलकर अर्न करता है। द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड बाय देम, रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड बाय देम ये आ गया आपका 4:5। 4:5 में दोनों क्या किया, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मनी कितना रोहित को कितना मिल रहा है एंड रमेश को कितना मिल रहा है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रोहित का और रमेश का फाइंड करने के लिए रेशियो का पहले सम फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ द रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ द रेशियो इक्वल टू 4 + 5 = 9। तो इनकम ऑफ रमेश, पहले रोहित निकालते हैं, इनकम ऑफ रोहित, रोहित का रेशियो आप देखिए 4 है बाय सम ऑफ द रेशियो 9 ऑफ 450, 9 से कैंसिल कर दीजिए 50 टाइम्स में, मीन्स यहां पर इसको कितना रिसीव हुआ, ₹200 कौन, रोहित ने अर्न किया। नेक्स्ट है आपका इनकम ऑफ रमेश, रमेश का इनकम जो है वो 5/9 ऑफ 450, ये 250 रुपीज अर्न करता है। तो दोनों का आप सम करके देखेंगे तो टोटल इनकम 450 आ जाएगा। अगर आपके पास 3:3 है, 3:3 है बोलेगा हर एक का शेयर फाइंड करने के लिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूट 35 चॉकलेट्स अमॉन्ग ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:2:4। क्वेश्चन आपका यही है, मतलब 36 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ए बी एंड सी में। चॉकलेट्स अमॉन्ग ए बी एंड सी आर इन द रेशियो
1:2:4। इसमें 35 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी एंड सी में, जिसका रेशियो आपका 1:2:4 का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में सॉल्यूशन आप करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आप लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपका 35 आ गया। रेशियो ऑफ ऑफ द शेयर ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 1:2:4। सम ऑफ द रेशियो फाइंड करेंगे, सम ऑफ द रेशियो आ गया आपका 1:2:4, ये आ गया आपका 7। तो शेयर आप ए का फाइंड कीजिए, शेयर ऑफ ए, ए का शेयर आ गया, ए का रेशियो क्या था 1, टोटल सम कितना है 7 ऑफ 35, मींस 5 चॉकलेट्स मिला ए को। शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी, बी का शेयर है आपका, बी का रेशियो है 2, सम ऑफ द रेशियो 5 ऑफ 35, मीन्स यहां पर इसको मिला 10 चॉकलेट्स। नेक्स्ट है आपका सी का शेयर, शेयर ऑफ सी, सी का शेयर आ गया आपका 4, रेशियो 4 है 4, सम ऑफ द रेशियो 7 ऑफ 35, 20, सी को 20 मिला, ए को 5 मिला और बी को 10 मिला, सबको आप प्लस करेंगे 35 आपका आ जाएगा। इसके बाद आपके पास मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाएगा या रेशियो में डिवाइड करने के लिए कुछ क्वांटिटी को बोला जाएगा, फ्रैक्शनल नंबर में रेशियो दिया होगा, तो पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, देन उसके बाद आप उसका शेयर फाइंड करेंगे। तो इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज आपका 7.2 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो होमवर्क में आपका एक्सरसाइज 7.2 है, ये कंप्लीट करना है, जो डाउट्स होगा उसको सेंड कीजिए।